और आज के लेक्चर में हम जो है आर्टिकल का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के तीन वीडियोस में हमने आर्टिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, यूज ऑफ द देखा, फिर हमने यूज ऑफ ए और एन देखा। आज वही हम यूज ऑफ द को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और कंटिन्यू करते हैं। तो हेयर वी गो, लेकिन यूज द विद सच कंपैरेटिव डिग्रीज, विद सच कंपैरेटिव डिग्रीज एज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिलेक्शन या चॉइस और रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज। ये देखिए, आपको दा का यूज उन कॉम्पिटेटिव डिग्रीज के साथ भी करना होता है जब उन कॉम्पिटेटिव डिग्रीज के थ्रू आप सिलेक्शन दिखाएं, चॉइस दिखाएं या रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ये विच इज बेटर, अलीना और अयान, द बेटर। अब आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ह्यूमंस के लिए तो हु का यूज करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अ सिलेक्शन और चॉइस आप विच प्रोनाउन का यूज करते हैं। ह्यूमंस के लिए तो यूज करते हैं यू का, सॉरी हु का, लेकिन जब आपको चॉइस और सिलेक्शन दिखाना हो तो चाहे ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, उस केस में आप विच को एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हो चॉइस के लिए। अब आप देखिए, विच इज बेटर, अलीना और अयान, ये चॉइस हो गई। अब यहां पर आपने कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज कर लिया, किसका? जब आप कॉम्पेरेटिव डिग्री के थ्रू चॉइस दिखाएं, सिलेक्शन दिखाएं, तो उस कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको द आर्टिकल का यूज करना है। तो विच इज द बेटर, अलीना और अयान। एक चीज और देखिए, देखिए शराब के बारे में कहते हैं कि जितनी ये पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है? जितनी शराब पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, ठीक है? इट इज सैड अबाउट द वाइन, इट इज सैड अबाउट द वाइन, ओल्डर इट इज बेटर इट इज। ऐसे भी तो कहते हैं, जितनी कैसे कहते हैं, देखो मैंने क्या बताया, दा का यूज आपको करना उन कॉम्पेरेटिव डिग्रीज के साथ जो या तो सिलेक्शन जो दिखाएं, सिलेक्शन या चॉइस या फिर रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज। रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज बढ़ी उसके साथ कोई दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये भी रिलेटिव, ये रिलेटिव इंक्रीज है। एक चीज बढ़ी, ये रिलेटिव इंक्रीज हो गया, तो फिर कोई किसी एक के रेस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज बढ़ना। एक चीज बढ़ी, दूसरी चीज घटी, ये रिलेटिव डिक्रीज हो गया, या एक चीज घट रही है दूसरी चीज भी घट रही है, ये भी ये रिलेटिव डिक्रीज और ये भी डिक्रीज। मतलब आप समझो कि प्रोपोर्शनैलिटी के केस में, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब आपको रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज दिखाना हो तो उस केस में भी आप कंपैरेटिव डिग्री के जरिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज करिए। अब आप देखिए, इट इज सेड अबाउट द वाइन, ओल्डर इट इज बेटर इट इज। मतलब शराब जितनी ओल्ड होती है, उतनी ही बेटर होती है। तो देखो, जितनी जितनी उम्र बढ़ेगी उतना उतना ये अच्छी होती जाएगी। तो ये तरीके का रिलेशन है या नहीं है, रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव इंक्रीज है या नहीं है, ये रिलेटिव इंक्रीज है। जितनी जितनी ज्यादा पुरानी उतनी ज्यादा अच्छी। तो देखो, एज के रेस्पेक्ट में बेहतर हो रही है, तो ये रिलेटिव इंक्रीज हो गया। रिलेटिव इंक्रीज का एग्जाम्पल है या नहीं है, तो इट इज सेड अबाउट द वाइन, ओल्डर इट इज। अब देखो, जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी, तो अब आपको इसके साथ क्या यूज करना है, द बेटर इट इज, ये रिलेटिव इंक्रीज हो गया। सर कॉम्पिटेटिव डिग्रीज क्या होती है? कॉम्पिटेटिव डिग्री जैसे गुड, गुड का बेटर और बेस्ट, तो बेटर क्या है, कॉम्पिटेटिव डिग्री। कॉम्पिटेटिव डिग्री का आप यूज आप कब करते, मतलब जो ईआर वाली फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, क्या चीज, गुड बेटर बेस्ट। ये बेटर क्या है, ये कॉम्पिटेटिव डिग्री है, बेस्ट और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि फाइन
फाइनर ER वाली ER वाली जो होगी वो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है ना। उसके जरिए हम दो एक वन वर्सेस अनदर का कंपैरिजन दिखाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव डिग्री, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ हम डाटा यूज नहीं करते वैसे यूजुअली, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ भी डाटा यूज करते हो कब, अगर वो कॉम्पिटिटिव डिग्री के थ्रू आप रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएं तब आप डाटा यूज करते हो। एक चीज आपने और देखी होगी, देखो इसको मिटा दें, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। प्रेशर कम होता है नहीं होता है, इधर देखो, हायर वी गो, हायर वी गो कूलर इट इज, प्रेशर भी कम होता है, ठंडा भी होने लगता है, कूलर इट इज द कूलर। अब आप देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। तो ये भी तो रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज है या नहीं है। तो अब आप इसको कैसे दिखाओगे, हायर हायर भी को ऊपर जैसे गए तो कूलर इट इज, तो अब देखो ये रिलेटिव इंक्रीज हो गया। तो अब यहां क्या करोगे, द हायर वी गो द कूलर इट इज। ये चीज आपके समझ में आई? एक एग्जाम्पल और दीजिए। अच्छा ऑल राइट, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। देखो ठीक है, अब आप देखो, आप जितने ज्यादा पैसा, मतलब मेरी अम्मा को कहना है कि मतलब मैं जितने ज्यादा पैसा कमाऊं उतने ज्यादा खर्च करूंगा, है नहीं। तो इसको देखो, अब मेरी अम्मा से क्या कहेगी, मोर ही अर्न्स अर्न्स मोर ही स्पेंड्स। अब आप देखो जितना ज्यादा कमाओगे मतलब ये होगी अर्निंग, उतना ही ज्यादा आप स्पेंड करोगे, ये होगी आपकी स्पेंडिंग। तो देखो ये रिलेटिव इंक्रीज हो गया नहीं हो गया, रिलेटिव इंक्रीज हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर आपने ये कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखी है, मोर कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और ये भी मोर कॉम्पिटिटिव डिग्री है, मोर ही अर्न्स मोर ही स्पेंड। तो जब अब आप देखो ये एक रिलेशन में है, जितना ज्यादा कमाना उतने ज्यादा खर्च करना। तो अब इसके साथ क्या लिखोगे, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड। ये चीज आपको समझ आएगी, ये मतलब डाटा यूज आपको करना है जब रिलेटिव कॉम्पेरेटिव, जब आपको रिलेटिव इंक्रीज और डिग्रीज दिखाना हो कॉम्पेरेटिव डिग्रीज के थ्रू, तो आपको द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। सिलेक्शन या चॉइस के केस में भी द आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पर आपने द लगाया था, देखो आज मैं आपके समझ में आया, ये मेरी बात समझ में आई जी जी, कि रिलेटिव वाले तो व्हिच इज द बेटर एलिमेंट यार, इसमें तो सिलेक्शन और चॉइस दोनों पे आ रहा है ना ये तो। हां हां ठीक है। तो अब जब आपको सिलेक्शन और चॉइस दिखाना हो तो वहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज किया करिए, और उस कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का। वैसे कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं करते, अलीना इज बेटर देन अयान, ठीक है। अब यहां पे ये नहीं कहोगे अलीना इज द बेटर देन अयान, ठीक है। यहां पे अलीना इज बेटर देन अयान क्योंकि यहां पे कोई आपको नहीं दिखा, चॉइस नहीं दिखा रहे। लेकिन जब आप चॉइस दिखाते हो, सिलेक्शन दिखाते हो, तो उस केस में जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, Which is better, better city, Delhi or Mumbai? अब आप देखो यहाँ पर आपने चॉइस दिखा दिया है दिल्ली और मुंबई, अब बेटर सिटी लिख लो, बेटर क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और विच का यूज किया आपने, विच इज द बेटर सिटी। आगे समझ में, चलो आगे बढ़े थोड़ा, और ये ऐसे होता विच बेटर सिटी दिल्ली, तो ये खाली होगा नहीं, विच इज द बेटर सिटी, हाँ तब दिल्ली। तो जब आप विच का यूज करते हो ना, तो विच के थ्रू आप चॉइस के लिए यूज करते हो विच का, और सर एग्जांपल सिंगल भी यूज करते हो तो क्या, तो सिंगल फिर आप नहीं करोगे दिल्ली इज बेटर, अगर आपको दिल्ली इज बेटर देन मुंबई तो उसमें आप द का यूज नहीं करोगे, दिल्ली इज द बेटर देन मुंबई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विच का यूज होना जरूरी है, विच का यूज होना जरूरी है, हां चॉइस विच का यूज होना जरूरी है, वहां पे चॉइस का होना जरूरी है, ठीक ठीक चॉइस का होना जरूरी है ना। ऑल राइट आगे बढ़ते हैं, अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब दागे एक पूरा हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहला सवाल, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट,
द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब आप देखो द प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब यहां पर आपने द प्लांट्स लिखा, क्या लिखा? तो मतलब द प्लांट्स का मतलब ये प्लांट्स कुछ डेफिनेट होंगे, ये डेफिनेट प्लांट होंगे जो अपने फूड को सिंथेसाइज करते होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में. लेकिन हर एक प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, करता नहीं करता है? अच्छा, प्लांट्स क्या है? प्लूरल नाउन है. क्या है? प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. पीसीएन लिख देता हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक है. अच्छा, ऑनेस्टी क्या है? ये है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. द ऑनेस्टी का मतलब तो कोई स्पेसिफिक ऑनेस्टी हो गई, लेकिन हर ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है. तो अब आप देखो, जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को, किसको? प्लूरल काउंटेबल नाउन को या फिर अनकाउंटेबल नाउन को उनके जनरल सेंस में यूज करें. जनरल सेंस का मतलब समझ आ रहा है कि जैसे यहां पे प्लांट्स है, हर एक जनरल प्लांट की बात की जा रही है. ऑनेस्टी, हर ऑनेस्टी की बात की जा रही है. तो जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं, जनरल सेंस में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप द आर्टिकल का यूज नहीं करोगे. किसका यूज नहीं करोगे? द आर्टिकल का. तो आप इसको कैसे लिखोगे? प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में यूज करोगे, देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं है जो अपनी लाइट को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन प्लांट प्लूरल है. अब यहाँ प्लांट जो है जनरल सेंस में यूज किया गया. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑनेस्टी नहीं है, लेकिन अगर देखो इस ऑनेस्टी के साथ दा भी आ सकता है. द ऑनेस्टी ऑफ इरफान पठान. अब ये देखो, अब यहाँ पर दा ठीक है क्योंकि इस ऑनेस्टी को आपने डिफाइन कर दिया. क्या कर दिया? लेकिन यहाँ पे ये कोई डेफिनेट ऑनेस्टी थी? ये जनरल ऑनेस्टी थी. तो जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को या फिर अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हो, तो उनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं किया करो. तो इस वाली बात को लिख लो, डोंट यूज द विद, डोंट यूज द विद सच प्लूरल नाउन, सच प्लूरल ना प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स एज आर रेफर्ड इन जनरल. ठीक है. तो प्लूरल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करिए अगर वो जनरल सेंस में यूज किए गए. This is very important point. अगर सर वो general sense में use नहीं किए, general sense में नहीं तो आप कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे देखो, आप तो वैसे लिख सकते हो, the plants in my garden. अभी जो plants है ये आपके garden के plants है, definite हो गए, ये सही है था. लेकिन यहाँ वाले, यहाँ plants के साथ दागर क्यों हो गया था? क्योंकि ये plants general थे. क्या थे? General थे. This is very important. अब आगे बढ़कर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं. They have never made this kind of a problem. This is extremely important. ठीक है. What sort of a place is this? Place it is. Now this is very important. They have never made this kind of a problem. अब आप देखो, आपने this kind लिख दिया
और ऑफ आप प्रॉब्लम लिख दी। वो ये कह रहे थे दिस काइंड का मतलब क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर काइंड है उस तरीके की प्रॉब्लम उन्होंने नहीं की होगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस, तो यहां पर जो आपका एम्फेसिस है, मतलब ऐसा तो नहीं दे है नेवर, मतलब मिस्टेक मिस्टेक लिखो बल्कि ऑफ अ मिस्टेक ऐसा लिखो, दे हैव नेवर मेड दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक, तो मतलब यहां पर कोई खास तरीके की मिस्टेक है उसको उन्होंने नहीं किया होगा। ऐसा तो नहीं कि वो गलती नहीं करते होंगे, कोई खास तरीके की मिस्टेक होगी जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। तो यहां पर आपका इंफेसिस जो है वो मिस्टेक पर ना होकर मिस्टेक के काइंड पर है, किस पर, मिस्टेक के काइंड पर, ठीक है। और उसके साथ आपने डिटरमिनर यूज कर दिया है, तो अब आप इस मिस्टेक के साथ आ का यूज नहीं करोगे, किसी का कुछ किसी का यूज नहीं करोगे, इसको ऐसे बोलोगे दे हैव नेवर मेड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है। अब यहां पर देखो इसी तरीके से आपने व्हाट सॉर्ट, सॉर्ट मतलब होता है टाइप, सॉर्ट मतलब टाइप, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेस इट इज, यहां पर आप प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस के टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप की बात कर रहे हैं। तो अब इस प्लेस वाले आर्टिकल को हटा दो, किसको, प्लेस वाले जो आप प्लेस लिखा ये हटा दो, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका एम्फेसिस प्लेस पर नहीं प्लेस के टाइप पर है, यहां पर आपका एम्फेसिस मिस्टेक पर नहीं मिस्टेक के काइंड पर है। तो जब आपका एम्फेसिस काइंड पर हो टाइप पर हो तो जो उनके साथ नाउन लिखे होते हैं उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखा करिए, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखा करिए। अब देखो मैं बताता हूं एक बार और समझाइए, ऊपर वाला देखो यहां पर आपने दिस काइंड लिख दिया, वो कह रहे वहां लिखा आपने दे हैव नेवर मेड दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक, तो मतलब उन्होंने गलतियां तो की होंगी, जैसे आप हो आप गलतियां करते हो, लेकिन कोई गलती आपने ऐसी कर दी जो उससे पहले कभी आपने की ही नहीं थी। तो यहां पर जो गलती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गलती का टाइप इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, टाइप पर एम्फेसिस दे रहे हो ना कि गलती पर, कि गलती तो हर कोई करता है लेकिन इस तरीके की गलती आपने इससे पहले कभी नहीं की। तो आपको जो गलती के साथ जो डिटरमिनर लिखा है आर्टिकल लिखा है वो भी गलत हो गया। ये चीज आपके समझ में आ रही है नहीं आई, मैं कह रहा हूं देखो गलती तो हर कोई करता है लेकिन कोई खास तरीके की गलती है जिसको जो आपने पहली बार कर दी। तो इस बार आपका जो कंसंट्रेशन है वो गलती पर है या गलती के टाइप पर, टाइप पर है। तो फिर गलती के साथ जो डिटरमिनर लिखा हुआ है जो ठीक है, मिस्टेक के साथ जो डिटरमिनर लिखा हुआ है उसको हटा दो, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस इट इज, अब आप ये बात बोल रहे हो तो आपका जो इम्फेसिस है वो प्लेस के टाइप पर है या प्लेस पर है, टाइप पर है, क्योंकि आपने व्हाट सॉर्ट लिख दिया एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, तो जो प्लेस के साथ डिटरमिनर लिखा हुआ है वो हटा दो, ठीक है। अब लिख बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, डोंट यूज आर्टिकल विद काइंड ऑफ, डोंट यूज आर्टिकल विद सच नाउंस, डोंट यूज आर्टिकल विद सच नाउंस, उन नाउंस के साथ आर्टिकल यूज नहीं किया करो, डोंट यूज आर्टिकल विद सच नाउंस एज आर फॉलोड, एज आर फॉलोड विद काइंड ऑफ, टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अगर कोई नाउन है, देखो कोई नाउन है, अगर वो नाउन इन किससे फॉलो कर रहा है, उस नाउन के साथ काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है, तो उस नाउन के साथ आप मतलब कोई नाउन ऐसे करके आ गया तो उस नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज करोगे, आर्टिकल का यूज नहीं करना, क्योंकि वहां पर फिर आपका एम्फेसिस उस नाउन पर ना होकर उसकी टाइप पर, काइंड पर और सॉर्ट पर होता है ना। तो अगर कोई नाउन लिखा हुआ उसके साथ व्हाट, जैसे कहते हो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, ऑफ अ मैन नहीं ऑफ मैन ऐसे बोला करो, क्योंकि वहां पर आप मैन पे नहीं मैन के काइंड पर एम्फेसिस दे रहे हो। हाँ बोलो, सॉर्ट और टाइप तो एक ही है ना, हाँ दोनों का मीनिंग है, सिनोनिम है, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शी इज, ऑफ अ गर्ल नहीं ऑफ गर्ल, ठीक है, गर्ल तो बहुत सारी है लेकिन यहां पर गर्ल के टाइप पर, काइंड पर एम्फेसिस दे रहे हो। तो कोई भी नाउन जो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ के साथ लिखाओ तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखा करो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ, आगे समझ में इस बारे में, वेरी गुड, आगे बढ़े, ठीक है। एक और देखो, एक एग्जांपल देखना, वी शुड नॉट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ अ मैन,
क्यों नहीं आएगा? अब दिस काइंड, तो यहाँ पर देखो आप मैन पे ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे कि इस काइंड के मैन पे ट्रस्ट करने के लिए नहीं, तो हटा दो. गॉट इट? इतना समझ में आ गया लिया साहब के? वेरी गुड, आगे बढ़े. अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यही हम आर्टिकल की इसको बढ़ाते हैं. नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज समवन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स एंड देयर बिहेवियर. द ऑर्निथोलॉजिस्ट studies birds and their habits. Studies birds and their habits. This is very important. Paper में question आ सकता है. Okay sir. Usually the sun gets the property of his abba. Abba मतलब father. अब आप देखो, the ornithologist studies birds and their habit. अब यहां पर आपने ornithologist लिखा, यह एक तरीके का profession है, human profession है. यह human profession है या नहीं है? जैसे डॉक्टर होना एक तरीके का ह्यूमन प्रोफेशन है, ठीक है, ड्राइवर होना ह्यूमन प्रोफेशन है, इसी तरीके से ऑर्निथोलॉजिस्ट होना भी ह्यूमन प्रोफेशन है. अब यहाँ पर आपने सन लिखा, सन क्या है? ये एक तरीके का रिलेशन है, ये रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं. ह्यूमन रिलेशंस और प्रोफेशन, ह्यूमन रिलेशन और प्रोफेशन को अगर आप जनरल सेंस में यूज करते हो तो उनके साथ द आर्टिकल का यूज तो कभी नहीं किया करो, गुनाह कबीरा है. ठीक है, पहली बात, डोंट यूज, हाँ फिर से बोला, डोंट यूज द आर्टिकल विद सच ह्यूमन रिलेशंस एंड प्रोफेशंस If they are referred in general sense. हिंदी में सुन लो, human relation और human profession के साथ the article का use नहीं किया करो अगर वो general sense में use हो. फिर किसका use करेंगे? A और N का use किया करो. किसका? A और N का use किया करो. तो यहाँ पर देखो, ornithologist लिखा हुआ है तो N लिख दोगे, sun लिखा हुआ है तो A लिख दोगे. तो इस वाली बात को हम लिख लेते हैं, don't use the with, डोंट यूज द, ठीक है, बल्कि ऐसे लिखो, यूज ए और एन, यूज ए और एन नॉट द विद सच ह्यूमन रिलेशंस, सच ह्यूमन रिलेशंस और प्रोफेशंस, रिलेशंस और प्रोफेशंस If they are referred in general sense. ये वाली बात समझ में आ गई? किसका यूज करना है आपको? A और N का यूज करना है, द का यूज नहीं करना. किसके साथ? सच ह्यूमन रिलेशंस और प्रोफेशंस अगर उन वो जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं. देखो, हर एक यहां पर हर एक सन है जो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, हर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स और उनकी बिहेवियर को स्टडी करता है, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्निथोलॉजिस्ट तो नहीं है, लेकिन इनके साथ दा भी आ सकता है. ठीक है, जैसे सालिम अली इज द फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, है नहीं? तो वहां पर तो सालिम अली के साथ दा भी आ सकता है, मतलब ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन रिलेशंस और प्रोफेशंस जनरल सेंस में यूज होंगे तो आप उनके साथ दा का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? ए और एन का. आपकी वाली बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़े थोड़ा. यस सर, बढ़िए. देखो, इसी वजह से आप कहते हो, आपने वाली बात सुनी होगी, देखो, आ फ्रेंड
इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना। अब आप देखो यहां पे जो फ्रेंड है ये तरीके का ह्यूमन रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन है या नहीं है, ह्यूमन रिलेशन है। इसकी वजह से आप और जनरल सेंस में यूज हो रहा है, हर किसी दोस्त को हर दूसरे दोस्त की जरूरत पड़ती है जब उसको जरूरत हो, है नहीं। तो अब यहां पर इसकी वजह से हमने आप फ्रेंड क्यों लिखा है, समझ में आ गया, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेशन है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, फ्रेंडशिप तरीके का ह्यूमन रिलेशन है, है ना। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। एक और बता दो, एक और देखिए यहां लिख देते द सोल्जर शुड नेवर एक्ट लाइक अ कावर्ड, लाइक अ कावर्ड। अब आप देखो ये सोल्जर एक तरीके ये सोल्जर एक स्पेसिफिक सोल्जर है जिसको कावर्ड की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, हर एक सोल्जर को हमारे इंडियन आर्मी की तरह होना चाहिए, है नहीं है, जैसे हमारे इंडियन आर्मी है, ठीक है। तो हर एक सोल्जर को ऐसे ही मतलब कावर्ड की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये एक तरीके का प्रोफेशन हो गया, ठीक है। वो कहना है ना मतलब भगवान सबके गूंज में बातें जंग में के मैदान में कभी ना हाथ दी इंडियन आर्मी, मैंने बहुत सुना वो, ठीक है। तो अब द सोल्जर नहीं, अब आप यहाँ क्या लिखोगे आ सोल्जर, ये चीज आपके समझ में आ गई। तो यूज ए और एंड नॉट द विद सच ह्यूमन रिलेशंस और प्रोफेशंस इफ दे आर रेफर्ड इन जनरल सेंस। एक बार ये बताइएगा तो सोल्जर वाला, देखो कोई एक स्पेसिफिक सोल्जर है जिसको कावर्ड की तरह एक्ट नहीं, कावर्ड मतलब कायरता से एक्ट नहीं, हर कोई सोल्जर को ऐसा करना चाहिए, है नहीं। अब आगे बढ़ते क्या हुआ, मुझे भी भूख लग रही है, मैंने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया, बिरयानी खाएंगे, चलो अलग बिरयानी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सुनो बात पूरी हो गई। अब हम नए क्वेश्चन शुरू करते हैं। गॉड हैज गिफ्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है सवाल, सवाल गॉड हैज गिफ्टेड गिफ्टेड द मैन विद मैनी क्वालिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। A man is the only animal that can talk, अभी देखो this is very important, very very, जब आप man और women word का use ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करें, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करें, तो उनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं किया कीजिए, मतलब किसी आर्टिकल का यूज मत कीजिए, मतलब डोंट यूज आर्टिकल विद मैन एंड वेमन वर्ड इफ दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द होल ह्यूमन रेस, गॉट इट। अब यहां पे देखो गॉड हैज गिफ्टेड द मैन विद मैनी क्वालिटीज, अब यहां पर आपने द मैन लिख दिया और ये जो मैन वर्ड है इट इज रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन रेस, हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन रेस, क्योंकि हर किसी इंसान को गॉड ने अलग अलग क्वालिटीज दी है, मतलब हर मतलब, तो यहाँ पर जनरल की बात चल रही है, पूरी ह्यूमैनिटी की बात चल रही है। तो जब मैन या वेमन वर्ड को आप जनरल सेंस में यूज करें, जनरल सेंस में यूज करने का मतलब ये है कि अगर मैन और वेमन वर्ड वहां पर क्या दिखाए, पूरी ह्यूमन रेस को दिखाए, तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करिए, तो आप इसको ऐसे लिखिए गॉड हैज गिफ्टेड मैन विद मैनी क्वालिटीज, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब आप देखो अ मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, अब यहां पर भी जो मैन है ये कोई एक इंडेफिनिट मैन नहीं है, भाई अरे मूविंग इट तुम लोगों को डिस्टर्ब होगा, खामोशी तो बैठ के सुनो वरना कल से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करवा दूंगा, यही लिखोगे, ठीक है। यहां पर ये जो मैन है ये भी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक ह्यूमन रेस में मतलब हर आदमी बोल पाता है, ठीक है,
तो यहां पर भी ये ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करिए। लेकिन एक देखो, एक एग्जांपल और देखना, ये वाला दोबारा बताइए, ध्यान नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। मैं क्या बताया कि जब मैन और वुमन वर्ड का यूज आप, जब मैन और वुमन वर्ड का यूज आप ह्यूमैनिटी को दिखाने के लिए करें, ह्यूमन रेस को दिखाने के लिए करें, तो उनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया करिए। अब ऊपर देखो, यहाँ पर आपने द मैन लिखा, गॉड हैज गिफ्टेड द मैन मेनी क्वालिटीज। अब यहाँ पे मैन का मतलब क्या है, पूरी ह्यूमन रेस को बहुत सारी क्वालिटीज दी है ना, तो यहाँ पर मैन जो वर्ड है वो ह्यूमन रेस को दिखा रहा है, तो कोई आर्टिकल यूज मत करिए। आप इसको ऐसे लिखिए, गॉड हैज गिफ्टेड मैन विद मेनी क्वालिटीज, मैन विद मेनी क्वालिटीज, ठीक है, विद मेनी क्वालिटीज। अब यहाँ पर नीचे वाले में देखो, मैन लिख दिया, अ मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। अब यहाँ पर मतलब जो मैन है, एनीवन दैट कैन टॉक, तो यहाँ पर कोई इंडेफिनिट मैन नहीं है, हर एक मैन की बात चल रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये जो मैन वर्ड है ह्यूमन रेस को दिखा रहा है, किसको, इसमें मतलब मैन वुमन दोनों इंक्लूड हो गए, यहाँ पर भी मैन और वुमन दोनों इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो जब मैन और वुमन वर्ड ह्यूमन रेस को दिखाए, तो उनके साथ आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मैन और वुमन वर्ड के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जब रेस को दिखाए, जब रेस को दिखाएंगे तब नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं उनके साथ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, द डॉग बिट अ मैन, द डॉग बिट अ मैन यस्टरडे, द डॉग बिट अ मैन यस्टरडे। अब आप देखो, यहां पर आपने आ मैन लिख दिया, ये आ ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि यहां पर ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं दिखा रहा, ह्यूमन रेस नहीं दिखा रहा, यहां ह्यूमन रेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पर ये मैन, ठीक है, ठीक है, ये तो कोई इंडेफिनिट मैन है जिसको डॉग ने कट कर लिया, ये चीज आपके समझ में आ गई। तो जब मैन और वुमन वर्ड का यूज आप जनरल सेंस में करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे, ह्यूमन रेस दिखाने के लिए करेंगे, तो आप उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ह्यूमन रेस आप नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो ये देखो ये आ ठीक हो गया। इस वाली बात को हम लिख लेते हैं, यूज नो आर्टिकल, इसको मैं लिखवा देता हूँ, Use no article with man, women word, with man and women word, if they are, used, इसको पूरा कर देते हैं।